अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती सातवीं जमात का सबक बूढ़ी काकी पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम बूढ़ी काकी सबक का मुतालिया करें, आइए उसके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वो 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में बनारस मराठवा के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अजाइब लाल था। प्रेमचंद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। आपने तकरीबन 7-8 साल फारसी पढ़ने के बाद अंग्रेजी तालीम हासिल की। बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हो गए। उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। सन 1908 ईस्वी में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोजे वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर अदब और सहाफत को अपना पेशा बना लिया। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों के जरिए वतन दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फरोग दिया। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे। गोदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती, बाजार हुस्न, पर्दा मजाज उनके मशहूर नावल हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को बनारस में उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त प्रेमचंद की उम्र महज 56 बरस थी।